हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बुखाती टी20 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर जम्प्स एजुकेशन वर्सेस थंबापनी लायंस के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको अजमन टी20 के वीडियोज़ मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पर उड़ीसा टी20 के वीडियोज़ मिलेंगे और साथ ही में और भी कई सारी टूर्नामेंट चल रही है, वो सारे अच्छी मैचेस के आपको वीडियो यहीं पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि इस मैच की और आगे भी आने वाली सारी मैचेस की फाइनल स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी या फिर कोई भी अपडेट वगैरह रहेगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच किया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच रात को 10 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो पिच रिपोर्ट जो यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, रन्स जबरदस्त बनते हैं, इवन कई बार तो यहाँ पर 250 प्लस भी स्कोर बनाए, 250 के प्लस भी स्कोर बनाए, एवरेज मैंने 140 के प्लस मेंशन किया है और आराम से इसके प्लस में स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग में यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, लेकिन कल की मैच की बात करूँ, कल यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती थी और वो भी यहाँ पर 90 या 99 रन से, तो ये आंकड़े डेली चेंज होते रहते हैं। और बात करें हम लोग ऐसे सबसे पहले टीम GED की, तीन मैच खेली है, दो मैच जीती है, एक मैच हारी है। ओपनिंग में सलमान शाहिद के साथ बलराज सिंह ने ओपनिंग करवाया लास्ट मैच के अंदर। देखो बलराज सिंह का अभी तक तीन मैच खेले गए, तीनों ही मैच के अंदर बैटिंग ऑर्डर पूरा अलग अलग है, एक मैच के अंदर पाँचवें नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग। वैसे प्लेयर अच्छा है यहाँ पर, कंसिस्टेंट है यहाँ पर, 20-25 रन 25-30 की इनकी एवरेज है और उसी के इर्द गिर्द आपको स्कोर करते हुए दिखेंगे। ट्राई करना चाहो, रिस्क लेना चाहो तो इस प्लेयर के ऊपर ले सकते हो, बाकी एक बड़ा रिस्क आपको ऐसे सलमान शाहिद के ऊपर लेना है। हालांकि इस टूर्नामेंट के अंदर और इसके पहले वाली टूर्नामेंट के अंदर भी इतने अच्छे इनके रिकॉर्ड्स नहीं रहे, लेकिन इसके पहले इन्होंने एक टी20 मैच टूर्नामेंट खेली थी जहाँ पर वो कंसिस्टेंसी से यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी साजिद इकबाल की बात करो तो साजिद इकबाल लास्ट मैच के अंदर हमारे ट्रंप कार्ड थे, जहाँ पर इन्होंने 65 रन बना के हमको वन साइडेड विनिंग करवाया और एक बार फिर से हम लोग साजिद इकबाल के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। वैसे क्योंकि इनका पिछला टूर्नामेंट काफ़ी जबरदस्त रहा था और उसी के बेसिस पर मैंने लास्ट मैच के अंदर इनके ऊपर रिस्क लिया था। देखो इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की तो जरूर है, क्योंकि तीन मैच खेले गए जिसमें से पहली दोनों मैच के अंदर कुल मिला के 3 रन इन्होंने किए थे, तो वही कुछ है, रिस्क थोड़े से रहेंगे। मोहम्मद अनवर खान की बात करें तो ये दोनों ही मैच के अंदर हमारे कप्तान है, अभी तक दो मैच खेले, दोनों ही मैच के अंदर हमारे कप्तान थे। पहली मैच के अंदर 10 रन किए थे, 3 ओवर्स की गेंदबाजी की थी जहाँ पर विकेट लेस रहे थे, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स तो नहीं किए लेकिन बैटिंग से 43 रन जरूर किए। मेरे लिए एक बार फिर से यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए मोहम्मद अनवर खान बेस्ट पिक है, क्योंकि लिटरली मुझे इनके ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि इनके कई बड़े बड़े परफॉर्मेंस मैंने देखे हुए, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए, तो इसके लिए यहाँ पर इस प्लेयर के मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, तो मैं यहाँ से एक बार फिर से इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। मोहम्मद सलमान जो कि टीम के कप्तान है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी इन्होंने पहली मैच के अंदर 46 रन जरूर किए थे, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। हालांकि रिसेंटली फॉर्म इनका थोड़ा सा ठीक ठाक है, पिछले टूर्नामेंट के अंदर आप देखोगे तो मतलब नहीं चलते फिर चलते, तो यहाँ पर इस लेवल के परफॉर्मेंस वो देते हैं, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। फारूक मोहम्मद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, एज अ प्लेयर लेके जाना है। अब्दुल मलिक जो कि पिछली दोनों मैच के अंदर ऐसे विकेट्स वगैरह निकाल रहे दबा के, तो यहाँ से इनको लेके जाएंगे। इनके अलावा ऐसे कैसर नवाज जो कि लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले और रेगुलरली यहाँ पर ये अगर ओवर्स करवाएंगे तो रेगुलर विकेट निकालेंगे, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि अगली मैच के अंदर ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे वो कन्फर्म नहीं कह सकते, तो रिस्क ही रहेंगे थोड़े से। हर्षित शेट के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये बंदर के ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, इनके 8 मैच के अंदर 16 विकेट है और यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले उन्होंने, तो आप लोग चाहो तो इस प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी बिन्नी रघुनाथ, इस प्लेयर को मैं बिल्कुल ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लूँगा, मैं इनको एज अ प्लेयर लेके जाऊँगा। हालांकि ये पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट लेस जा रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एज अ प्लेयर इनको लेके जाऊँगा। शाहिद नवाज जो कि पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट्स निकाल रहे हैं, तो ये भी एक चॉइस बनती है अभी। तो देखो बॉलिंग सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो किसी ना किसी एक दो प्लेयर के ऊपर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर फारूक मोहम्मद, अब्दुल मलिक और बिन्नी रघुनाथ, इन तीनों प्लेयर को मैं सजेस्ट करता हूँ इस
इन तीनों प्लेयर को बिल्कुल ड्रॉप मत करना। बाकी कैसर नवाज, हर्षित शेठ और शाहिद नवाज, इन तीनों में से किसी एक या दो प्लेयर को आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे अब्दुल मलिक के साथ शाहिद नवाज, डेथ हो उसमें अपर अली अफरीदी, अब्दुल मलिक है और शाहिद नवाज। बाकी अपर बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, और उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करें हम लोग ऐसे टीम THL की, जो कि तीन मैच खेली है और तीनों ही मैच हारी है, तो अभी तक इनका खाता खुला नहीं है और आज भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इनको बारी तो पड़ने वाला है। ओपनिंग की बात करें तो समल उडावता के साथ चरित निर्मल ने ओपनिंग करवाया, दोनों ही एज अ प्लेयर ऐसे इंपॉर्टेंस रहेंगे। हालांकि जो समल उडावता है वो कंसिस्टेंट नहीं है, पहली दोनों मैच के अंदर दबा के परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, लास्ट मैच के अंदर वो देख सकते हैं आप लोग आपकी नज़र के सामने उनका परफॉर्मेंस है कि इन्होंने बिल्कुल कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया। इनके पिछले टूर्नामेंट के अंदर भी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी ये कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्लेयर अच्छा है और जिस तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर इनका परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग इनको एज अ प्लेयर लेके जाएंगे। इवन बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन करेंगे, आप लोग भी चाहो तो इनको कर सकते हैं। चरित निर्मल को भी जरूर ट्राई करेगा, हालांकि दोनों मैच के अंदर कुछ खास किया नहीं, ओवरऑल प्लेयर जबरदस्त है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन सजेसेबल है। चाहो रिस्क ले हो तो इस प्लेयर को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। हलान हारिस को डिफरेंशियल में ट्राई करा, हालांकि यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 39-26 और लास्ट मैच के अंदर 14 रन, डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। बाकी ग्लेन फर्नांडिस वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाओगे आप लोग, क्योंकि ये बंदा कंसिस्टेंसी से आपको एक दो विकेट लेता हुआ नजर आएगा। बाकी बात करें हम लोग ऐसे शाबिक इफ्तारी भी इंपॉर्टेंस रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर वो 8 रन किए लेकिन शुरुआत अच्छी की उन्होंने, 30 रन किए फिर यहाँ पर 40 रन किए, और भरोसा कर सकते हैं इस प्लेयर के ऊपर। लास्ट मैच के अंदर पहले वो 8 रन पे आउट हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऊपर से एक दो विकेट गिरेंगे या फिर यहाँ पर ग्लेन फर्नांडिस थोड़े से नीचे जाके शाबिक इफ्तारी एक बार फिर से ऐसे आपको ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे इफ्तारी इस मैच के लिए हमारे इंपॉर्टेंस रहेंगे। दनु का चमीकारा की बात करो तो ये ओवरऑल जिस रिसर्च लेवल का परफॉर्मेंस उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, मतलब बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रह रहा है इनका। बाकी ओवरऑल ये चौथे पांचवें नंबर पर खेलते हैं, इवन कई बार ओपनिंग वगैरह भी करवा लेते हैं, रिस्की रहेंगे। हालांकि टीम के कप्तान जरूर है, लेकिन अभी के लिए इनको लेके जाना काफ़ी रिस्की रहेगा। रौनक अनिल वसवाणी ओके रहेंगे। बाकी चरित बुद्धि का दिशा नायके की बात करते हैं तो ये दिशा नायके यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से एडवांटेज दे सकता है, तो ये प्लेयर आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड बन रहेगा, क्योंकि इस प्लेयर के ऊपर ज़्यादातर किसी की नज़र रहेगी नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं बैटिंग से दोनों मैच के ने ऐसे 32 और 20 जैसे स्कोर किए, साथ में यहाँ पर पूरी ओवर्स भी करवा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इनको अभी तक एक भी विकेट मिली नहीं है, ओवरऑल 9 मैच के अंदर 7 विकेट है, तो इस प्लेयर के ऊपर हम लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। सेहन थंडाकारा की बात करते लास्ट मैच के अंदर डेथ वगैरह में गेंदबाजी की थी, ओवरऑल 186 मैच के अंदर 231 विकेट है, रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर इस प्लेयर के ऊपर। बैटिंग भी काफ़ी तगड़ी करवा लेते हैं, करीबन 29 की एवरेज से 186 मैच के अंदर 3237 रन है, और लास्ट मैच के अंदर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड थे और आगे भी हम लोग इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। मिफलाल रिसेंटली अच्छे फॉर्म में, तो इस फॉर्म का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, मतलब इनको एज अ प्लेयर हमारी टीम के अंदर लेके जा सकते हैं। इनके अलावा ऐसे सिहान अब्दुल मजीद, इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स वगैरह मिले नहीं, बाकी कुछ भी अपडेट इनकी रहेगी तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं। लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी की थी, जहां पर वो स्टार्टिंग में भी आए थे और डेथ में भी आए थे, तो रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं। स्टार्टिंग में चरित निर्मल के साथ आए थे, डेथ ओवर्स में अपन एस थंडाकारा के साथ डेथ ओवर्स में आए थे सिहान अब्दुल मजीद। बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह भी आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, तो भाई टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन से रह सकते हैं, कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं इफ्तारी को लेके जा रहा हूँ, आप लोग सेफ जा रहे हैं तो आपके लिए सलमान और यहाँ पर सलमान इकबाल, साजिद इकबाल, दोनों चॉइस है और दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं आप लोग। दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं और दोनों ही अपने दिन के हिसाब से स्कोर करेंगे, जहाँ पर साजिद इकबाल थोड़े से ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे, मोहम्मद सलमान 5वें नंबर पर खेल रहे हैं पिछले कुछ मैचेस के अंदर। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर अब्दुल मलिक के साथ यहाँ पर चरित निर्मल रहेंगे। बाकी आप लोग यहाँ से बलराज सिंह के ऊपर रिस्क ले सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, देखो इस प्लेयर को थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा। इनके अलावा और किसी प्लेयर के ऊपर खास, यहाँ पर सलमान शाहिद है एक, तो इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर फारूक मोहम्मद के साथ यहाँ पर ग्लेन फर्नांडिस है, इनके अलावा से एस उड़ावत्था के साथ यहाँ पर चरित बुद्धि का डिसन है कि देखो ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है, तो आप लोग चाहो तो इनको लेके जा सकते हो, चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है, मैं इनको लेके जाऊँगा। और मोहम्मद अनवर खान, जिनका सिलेक्शन सिर्फ 3% है, लेकिन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर
ए मिफलाल के साथ यहाँ पर, बिन्नी रघुनाथ के साथ यहाँ पर, एस ठंडा करा। देखो सारे के सारे मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लेयर लिए जिनका सिलेक्शन काफ़ी कम है, तो भाई मैच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की खेलने वाला हूँ। सारे सेफ ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, तो जो लोग सेफ जाना चाहते हैं उनको उनके लिए भी ऑप्शन मैंने दे दिए। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हैं हमारे यहाँ पर अनवर खान, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिनका ओवरऑल सिलेक्शन ही सिर्फ 3% है। जहाँ हमारे कप्तान है वाइस कैप्टन चरित निर्मल है, सेफ जा रहे हो कैप्टन वाइस कैप्टन ढूंढ रहे, तो मैं आपको सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन बता दूं। तो कैप्टन यहाँ पर एस उड़ावत्ता, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, वाइस कैप्टन ऐसे फारूक मोहम्मद, तो दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही पब्लिक, तो आप लोग भी इनके साथ जा सकते हैं। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं, तो फाइनल टीम जो भी रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और आपको उसी लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।